So it's quarantine time और देखो ठीक तो नहीं होगे तुम लोग. And I think so, coronavirus is like iodex for earth, but it's feel like xylem lotion for humans. अब देखो इंसानों ने अर्थ कितनी गांड मारी है, तो एक ट्रिप अर्थ की तो बनती है, पर ये कुछ ज्यादा हो गया, इतनी बुरी तरह नहीं लेनी चाहिए. थोड़ा सा रहम खाओ, यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी हैं, लाइक मी. एक और झकास चीज दिखाओ क्या? तुम अगले का निशाना देखो, वो तो गलती से भाई साहब पुलिस में आ गए. ये तो ओलंपिक में होते तो गोल्ड ब्रॉन्ज सिल्वर पीतल सब लेकर आते, पर कोई बात नहीं भाई साहब पुलिस में है, नहीं देंगे तो छीन लेंगे. क्या है इसमें? मछली? शर्म नहीं आ रहा? मछली बेच रहे हो? भाई साहब को देखिए साफ पता चल रहा है कि इन्हें कोई आइडिया नहीं लॉकडाउन के बारे में. और ये दोनों इसे इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये मछली बेच रहा है. अगला सोच रहा है मछली बेचना अपराध कब से हो गया. हाँ वैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्या होता है लॉकडाउन, क्यों ना बेचूं मछली, मैं कौन हूँ, ये कौन है. चुप बैंक के लौड़े. अगर किसी को इस लॉकडाउन में पूरी इज्जत के साथ मारा है ना, तो इस भाई को. भाई की इज्जत रख ली, नहीं तो चार डंडे मारने के बाद पुलिस पूछती है क्या किया था इसने. और जब ये गया होगा तो बीवी ने पूछा होगा, अरे क्या कह रहे थे. अरे कुछ नहीं, वो बचपन का दोस्त था, पार्टी मांग रहा था, हम अड़का दिए. पैंचो लॉकडाउन में कहां से दे तेरे को पार्टी में. इंडिया में किसी भी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन यहाँ चूतियों की कोई कमी नहीं है. झुंड में चूतियों इधर, चूतियों की गैंग है द चूतिया गैंग. यहाँ डॉक्टर्स पेटी पैक होके इलाज कर रहे हैं, फिर भी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं. और ये साले दो डोरी का मास्क पहन के ऐसे घूम रहे हैं शक्तिमान की तरह, जैसे सालों कुछ होगा ही नहीं. अब शक्तिमान खुद परेशान. मोदी जी ने थाली बजाने को बोला तो लोगों ने घर के बर्तन तक तोड़ दिए. मेरे पापा ने तो सारी तालियां मेरे मुंह पर बजाई, लेकिन मोदी जी ने घर पे बैठने को क्या बोला, लोगों को सांस आना बंद हो गई. नहीं ऐसे कैसे, हम तो पैदाइशी चूतिया, हम तो घर नहीं बैठ सकते, हम तो बाहर जाएंगे, नहीं तो कोरोना कैसे फैलेगा, हम तो गांडू जाति के, गांड पे डंडे खाएंगे तो खाएंगे लेकिन बाहर जरूर जाएंगे. सच कहूं तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग बाहर घूमो गांड मराओ, लेकिन तुम्हारे चूतियापे की वजह से हमारी भी गांड फट सकती है, इसलिए घर बैठो. कोई गली में दिखे उस पर थूक दो, मूत दो, कुछ भी करो, लेकिन उसे चार दीवारी वाले कमरे में बिठाओ जिसे घर कहते हैं. जब बैंक के लौड़े. और जहां दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं मिला है, वहीं पे नॉर्थ कोरिया में इसकी वैक्सीन बन चुकी है, जो किम जोंग को पर्सनली काफी पसंद भी है. लाइक इट, ही यूज्ड इट. लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना, कोई कह रहा है गो कोरोना गो, कोई कह रहा है गोबर खा लो मूत पी लो. भैंचू इन सब की हरकतें अगर कोरोना देख रहा अपना तो क्या सोच रहा होगा, भैंचू कहाँ आ गया मैं. अरे तुम ही सोचो, इसने स्पेन इटली अमेरिका में लाशें बिछा रखी है, क्या ओसामा बिन लादेन टाइप गैंगस्टर होगा ना, उससे ही बड़ी इमेज होगी. इंडिया में आया सोचा रिस्पेक्ट मिलेगी, यहाँ कह रहे हैं मूत पी लो कोरोना ठीक हो जाता है. कोरोना मिला कुछ तो इज्जत दो यार इंडियन बाग भैंच. पता नहीं किसका मुंह हाथ पे पड़ गया भैंचू, जिंदगी गूंज ऐसी हो गई है. मैं वहां रहता हूँ जहाँ दंगे हुए थे, तो पहले उसका कर्फ्यू था, फिर वो थोड़ा सा ठीक हुआ तो ये कोरोना आ गया. भैंचू घर में रहे इतना टाइम हो गया कि अब मेरे को लग रहा है कि दुनिया इतनी सी है, इसी चार दीवारी को पृथ्वी कहते हैं और ये स्क्वायर है. जब बैंक के लौड़े. और थोड़ा बहुत दिमाग ठीक रहता है तो ऐसी न्यूज आ जाती है. रोहतक जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां पर लड़की से धोखा खाने के बाद बदले की आग में झुलस रहा एक कोरोना वायरस का मरीज अपनी माशुका पर छींक कर भागा. जी हाँ, छींक कर भाग गया वो. अपनी मूवी में राजकुमार राव ने भी क्या बदला लिया होगा जो इस बंदे ने लिया है. बट देयर इज अ बिटर ट्रुथ, लव इज नॉट अबाउट डिसरिस्पेक्ट और रिवेंज, देयर इज नो स्पेस फॉर दैट टाइप ऑफ शिटी थिंग्स. मैं ऐसी बातें कर लेता हूँ, आई एम पब्लिक फिगर. तू चूतिया चूतिया. बट ऐसे बंदे अगर कल को किसी पे एसिड भी फेंक देना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है किसकी गांड का समकोण बना के इतने लंडे मारो, सॉरी डंडे मारो, किसकी गांड का उभार समतल हो जाए. ये लोग सच में यार बहुत चुतियाप कर रहे हैं, इतने चुतियाप कर रहे हैं कि हमें डर लग रहा है कि इनकी गलती से हम न मर जाए. क्योंकि देखो हम अपनी गलती से मरे तो जस्टिफाई है, बाइक तेज चला रहे मर गए ठीक है, लेकिन अगर ऐसे मर के ऊपर जाएंगे तो क्या बोलोगे, कैसे मरे, लोग चुतिया हो गए थे हम मर गए. दिस इज कॉल्ड जेंडर इक्वेलिटी, दिस इज नॉट, बट इट्स हर चॉइस टू लीव. But everyone is a gangster until a real gangster comes in. Main super girl from China. Main super girl from China.
Damn, it feels good to be a gang. आई थिंक नेहा धूपिया को कनिका कपूर को थैंक्स बोलना चाहिए और निखिल चिनप्पा को तो कदम चूम लेने चाहिए, क्योंकि कनिका कपूर के इंसिडेंट से पहले लोग नेहा धूपिया को बहुत ज्यादा ही ट्रोल कर रहे थे और अपनी मीम सेना लेके निखिल चिनप्पा की ओर बढ़ी रहे थे, कितने में कनिका कपूर ने एक महाकांड कर दिया। और उस टाइम पर निखिल चिनप्पा को ऐसी फीलिंग आ रही हुई जैसे घर में छोटे भाई को आती है जब बड़ा भाई पिट जाता है, क्योंकि उसे पता होता है अगला नंबर उसी का है, लेकिन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता चला ये तो बहुत कम चूती है, एक सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना जो लंदन से आई है चूती हुई कुल देवता है। डॉक्टर्स कहते हैं आपको 15 से 20 दिन आइसोलेट रहना है। नहीं, मैं तो पार्टी करूंगी, मैं तो बाहर जाऊंगी। अगली का पता नहीं क्या कर रही है। और जब ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस दौरान एक इनकी वीडियो आती है तो उसमें कह रही है कि देखो हम, मुझे तो ढंग से नहीं रखा जा रहा है और ये वो, पार्टी नहीं करने दे रहे। मैं कह रहा हूं कि यूपी का सीन है, वहां का सीएम योगी आदित्यनाथ है, शुक्र है तुम्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं तो इतने में तो अगला जेल में डाल देता है। पर हमारी दुआ है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। डिफेंड करता है मादर साहब। जब बैंक के लौड़े कहां से आ रहे हो? इसकी गाड़ी में 4 लाख मारो पहले, मारो 4 लाख मारो, 1, 2, 3, 4। कितनी ईमानदार पुलिस, 4 बोले तो 4 ही मारे। इस बंदे को तो वापस आके थैंक्स बोलना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ तो अगर पुलिस ले जाए तो कहती कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे, अगले दिन बंदा बताता उल्टा लटका के, बहुत मारा भाई बहुत मारा। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। एंड फाइनली अपना ख्याल रखो, बाहर मत जाओ, स्टे सेफ स्टे होम, लव यू ऑल। ज्यादा ज्ञानी चौधरा।